अगर आप भी खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाली है। जरा सोचिए कि एक साल में आप कितना खा सकते हैं और खासकर आप कितना ऑर्डर करके खा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10,000 या फिर 50,000। लेकिन अगर मैं ये आपसे कहूं कि एक शख्स ऐसा भी है जिसने 28 लाख का जोमैटो से ऑर्डर किया है खाना, तो आपको भी यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि 2022 में सबसे ज्यादा खाने वाली एप्स जितनी भी हैं उन पर सबसे ज्यादा ऑर्डर क्या किया गया है। आपको बता दें कि जितनी भी खाने वाली एप्स है, चाहे वो जोमैटो हो चाहे वो स्विगी हो, तो सबसे ज्यादा इस बार भारतीयों ने बिरयानी ऑर्डर की है। जोमैटो ने एक कार्ड इशू किया है और उस कार्ड के मुताबिक एक मिनट में भारतीयों ने 186 बार जोमैटो से बिरयानी ऑर्डर की है। जरा सोचिए कि सिर्फ एक मिनट में 186 ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ बिरयानी के। वहीं दूसरी तरफ स्विगी ने भी एक कार्ड जारी किया है और उनके मुताबिक जो है एक मिनट में 137 बार बिरयानी का ऑर्डर किया गया है। यानी कि 2022 में भारतीयों ने बिरयानी के खूब मजे उड़ाए हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि बहुत सारी आइटम जो है वो चाहे जोमैटो हो या फिर स्विगी हो वहां पर मिलती रहती है, लेकिन बिरयानी जो है वो पिछले 7 साल से टॉप कर रही है। यानी कि अगर 7 साल का आप आंकड़ा निकालेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा पसंद करने वाला अगर कोई फूड आइटम है तो वो बिरयानी है। इसलिए बिरयानी 7 साल से लगातार टॉप कर रहा है। अब दूसरी खबर पर आते हैं, यानी कि 28 लाख वाले उस ऑर्डर पर आते हैं। एक शख्स जो पुणे का रहने वाला है, जोमैटो ने बताया है कि एक शख्स जो पुणे का रहने वाला है, तेजस नाम है, और कुल मिलाकर इस शख्स ने 28,59,611 रुपए का ऑर्डर किया है। जरा सोचिए 28,59,611 रुपए का ऑर्डर जो है वो किया है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अंकुर जो है वो रोजाना 9 बार जो है जोमैटो से खाना ऑर्डर करते थे, और इसी वजह से कुल मिलाकर जो है उन्होंने 2022 में यानी कि एक साल में 3,330 बार ऑर्डर किया है। और इसी के चलते जो है वो जोमैटो ने अंकुर को फूडी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो एक ग्राहक हैं राहुल नामक, जिन्होंने 1,098 बार सिर्फ केक ऑर्डर किया है। जरा सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ 1,098 बार केक ऑर्डर किया है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो पिज्जा भी ऑर्डर किया गया है, और टीना नाम की एक ग्राहक हैं जिन्होंने 25,455 रुपए का सिर्फ और सिर्फ पिज्जा ऑर्डर किया है। यानी कि 2022 में ये आंकड़े जो है वो बहुत ही हैरान कर देने वाले हैं कि एक खाने वाली चीज इतनी बार जो है वो रिपीट ऑर्डर पर जो है वो मंगवाई जा रही है। और साथ ही साथ ये भी आपको मैं जानकारी दे दूं कि जोमैटो और स्विगी ने जब ये जानकारी साझा की है, इस जानकारी के मुताबिक टॉप पर जो है वो बिरयानी है, उसके बाद तंदूरी जो है वो तंदूरी चिकन है, उसके बाद मटन है, बहुत सारी आइटम्स जो है वो ऑर्डर की गई है स्विगी से और जोमैटो से। लेकिन सबसे ज्यादा ऑर्डर करने वाली अगर कोई फूड आइटम है तो वो बिरयानी है। और हद तो ये है कि एक शख्स ने जो है तेजस नाम के शख्स ने 28,59,611 रुपए का खाना जो है वो 2022 में अकेले ऑर्डर किया है। और अंकुर नामक ये दिल्ली का रहने वाला शख्स है जिसने पूरे साल में 3,330 बार ऑर्डर किया है और इसको फूडी ऑफ द ईयर घोषित किया है। राहुल नामक एक शख्स ने 1,098 बार जो है वो जोमैटो से सिर्फ और सिर्फ केक ऑर्डर किया है। और टीना नाम की एक महिला है, ग्राहक है, जिन्होंने 25,455 रुपए के सिर्फ और सिर्फ पिज्जा ऑर्डर किया है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप अगर फूडी हैं तो इन लोगों से ज्यादा फूडी आप हैं या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप लोग देखते रहे स्ट्रेट टॉक्स, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत।
धन्यवाद।